बिरनी प्रखंड के जरीडी में हुए पुलिस व ग्रामीण झड़प मामले की जानकारी लेने रविवार को जीप उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त की। ग्रामीण विनोद पांडे आदि ने बताया कि दुर्गा मंडप से ठीक बगल में धनपत महतो के यहां शादी समारोह चल रहा था। महिलाएं पानी काट कर आ रही थी, उसी शादी में वह घृतधारी कराने पहुंचे थे तथा मंदिर प्रांगण में मुखिया के साथ बात कर रहे थे। तभी पुलिस दल बल के साथ मंदिर प्रांगण में आए और बिना कुछ कहे पूछे मुखिया पर लाठी चलाने लगी। आसपास बैठे सभी लोगों को पुलिस बेरहमी से मारती है तथा मुझे भी मारा गया, जिसके बाद पुलिस वहां से चली गई। मुखिया खुद पुलिस को वहां से जाने को कहते हैं, जिसके बाद पुलिस दोबारा रात 10 बजे के करीब 100 की संख्या में वहां पहुंचकर सभी घरों में छापेमारी कर बेकसूर लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मुखिया की गिरफ्तारी के लिए मुखिया की पत्नी रंजना सिंह के साथ भी पुलिस ने बदतमीजी किया। पुलिस ने अलमीरा एवं बक्सा को तोड़कर कागजात, रुपए एवं कुछ जेवर को भी ले गई। इस पर छोटेलाल यादव ने कहा, इस घटना से यह प्रतीत होता है कि बगोदर विधानसभा का दूसरा अटका बन गया है। इसी प्रकार अटका में 6 माह पूर्व महिलाओं व बच्चों के साथ पुलिस के द्वारा मारपीट की गई थी। पुलिस वर्दी का दुरुपयोग और गुंडई करती है तथा अवैध धंधे को बढ़ावा देती है, बदले में पैसे वसूली करती है। कहा कि इस घटना से गिरिडीह जिला की जनता में आक्रोश है। इस घटना को जिला परिषद की बैठक में सवाल उठाकर वरीय पदाधिकारियों के द्वारा जांच कर दोषी पुलिस पर कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। आज ये बगोदर विधानसभा में प्रशासन का जो दुर्व्यवहार हुआ है और जिस तरह से बर्बरतापूर्ण स्थिति जरीडी में किया है, ये कहीं न कहीं बताता है कि न्याय के लिए अगर जनता अपना आवाज़ और हक को रखे तो उसको गुंडई के द्वारा प्रशासन वर्दी को एक डकैत के रूप में प्रस्तुत करके तबाह करके इस जगह में भय पैदा करके अपना राज चलाना चाहता है। जो दुर्भाग्य की बात है, इस बगोदर विधानसभा में ये दूसरी घटना है। गिरिडीह जिले और बगोदर विधानसभा में अटका टू ये हो गया जरीडी, इससे इसी तरह से बर्बरतापूर्ण अटका में किया गया था और आज दूसरा इस जगह में बगोदर विधानसभा में आपका जरीडी में हुआ है। और ये न्याय तो आदमी जनता को अपना लेगा, लेकिन जो गुंडे और जो प्रवृत्ति से यहाँ के बच्चियों को मारा है, जो अभी हाथ में फ्रैक्चर किया है, किसी का हाथ खुला हुआ है, जो एग्जाम नहीं दे पा रही है, ये बड़ा विचित्र स्थिति है। यह महिला पुलिस नहीं है, पुरुष लोग आकर के महिलाओं को पीटा है और जिस तरह से तोड़फोड़ मचाया है, ये डकैती करने जो आता है वो भी इस तरह से मतलब निर्भीक होकर के नहीं कर सकता है, ऐसा स्थिति पैदा किया है जरीडी में। इसका पूरा भर्त्सना करते हैं और इसका जिला परिषद के मीटिंग में हम चाहेंगे ये वो कमिटी बने और इसका जांच हो और जांच करके इसका जो दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, चाहे भारत सरकार करे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट करे, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे।